ज्यादा आप आगे चल रहे हैं सर, मैं जैसा रिपोर्ट जारी है तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि आपकी पॉपुलैरिटी को आप किस हिसाब से देख रहे हैं सर? ये तो जनता का प्यार है, जो जनता होर्डिंग और बैनर और पोस्टर जो लगा रही है। मैंने तो एक होर्डिंग एक बैनर का भी खर्चा नहीं किया है। मेरे मित्र मंडली है, उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है, वो जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रही है, मुझे उन्होंने कहा एक बार आप जाके दौरा तो करके आए, तो अब मैं शहर में जाकर देखूंगा मेरे होर्डिंग या बैनर कहाँ कहाँ उन लोगों ने लगाए हैं। और उन सबका प्यार है, मेरा जेब से कोई पैसा नहीं, तो मेरा पैसा लगा है ना, कुछ लगा है, लोग ही चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ो और उनकी इच्छा है कि मैं विधानसभा उत्तर से चुनाव लड़ूं, और इसीलिए वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। वो जो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे चुनाव के लिए कर रहे हैं, और देखते हैं आगे होता है क्या। सुरेंद्र सिंह जी का तो आपका, आप इस स्वागत समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो आप किस तरह से एक बार स्वागत, आपका कौन सी जगह जहाँ पे आप स्वागत करेंगे, सबसे जो सुनाई मेरा सबसे आखिर में स्वागत आप ही कर रहे हैं? सबसे आखिरी में स्वागत मेरा है पड़ाव के वहां पर, और जो स्वागत मैं करने जा रहा हूँ उस स्वागत के अंदर निश्चित तौर पर लगभग 5,000 के लगभग संख्या वहां पर इकट्ठी होगी। मैंने जो आंकड़ा मेरा बताया था वो 2,500 से 3,000 का बताया था कि 2,500 से 3,000 होंगे, लेकिन युवाओं में जिस प्रकार का जोश है निश्चित तौर पर मुझे लगता है 5,000 के आसपास युवा साथी वहां पर इकट्ठे होंगे। वहां पर जो मुझे बताया गया वहां पर JCP के माध्यम से और एक वहां पर हाइड्रोलिक लिफ्ट भी लगाई जा रही है, साथ में DJ साउंड भी लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार के कई उन्होंने व्यवस्थाएं करी है, उस व्यवस्थाओं के आधार से मुझे लगता है कि स्वागत अगर कहीं अजमेर में होगा तो उससे बढ़िया स्वागत कहीं नहीं हो सकता। और जिस तरह से वहां पर 500 किलो फूल की पत्तियां मंगाई गई है और उनसे स्वागत किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया स्वागत अजमेर शहर में कहीं नहीं हो सकता। निश्चित मेरे दोस्तों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने ये व्यवस्थाएं करी। मैंने उनसे केवल निवेदन किया था कि मैं स्वागत समिति का, मेरे को स्वागत का जिम्मा दिया है, तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा ही हम स्वागत एक अच्छा सा कराते हैं, वो स्वागत वहां पर वो करवा रहे हैं। निश्चित तौर पर वहां जनता भी होगी और लोग भी होंगे और युवा भी होंगे, तो निश्चित तौर पर जो भी सर्वे टीम होगी वो भी देखेगी सर्वे में किसने अच्छा स्वागत किया, सर्वे में सबसे ज्यादा भीड़ कौन लेकर आया, उस वो सारे आधार सर्वे बनाए जाते हैं, उस सर्वे के आधार पर निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता मैं खरा नहीं उतरूंगा, निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा और पार्टी इस ओर जरूर ध्यान भी देगी, यही मैं कहना चाहूंगा।